हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाटर कलर पोर्ट्रेट के बारे में। तो यहां पे मैं बनाने वाला हूं वाटर कलर से एक पोर्ट्रेट। तो आप देख पाएंगे किस तरह से पूरा रियलिज्म में जाएंगे, बिल्कुल उसको हाइपर रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो कितना यहाँ पे हम बना पाते हैं तो इस वीडियो में आप जरूर से देखिए लास्ट तक, होप आपको काफी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं कोई हैंडमेड शीट यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ आइवरी शीट, क्योंकि काफी मोटी होती है। तो उसमें आप देखेंगे किस तरह से आप वाटर कलर उसमें कर सकते हैं, क्योंकि काफी पतले कागज है वाटर कलर के लिए अच्छे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे आइवरी शीट आपको अच्छी तरीके से अवेलेबल हो जाती है कहीं पर भी, तो आप इसको ले सकते हैं। तो इसमें देखेंगे किस तरह का रिजल्ट देखने को आपको मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बताइए नीचे कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी और रिजल्ट कैसा रहा आइवरी शीट में। मैंने लाइव करके आपको दिखाया था कि किस तरह से इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और लाइव दिखाया था, मैंने लाइव बना के दिखाया था आपको, और आपके क्वेश्चंस भी काफी सारे वहां पे लिए थे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है लाइव वाली सेशन तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज इसको वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास में एक घंटी वाला आइकॉन आएगा उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियोज के मिलते रहे। तो वैसे तो मैं यहाँ पे डेली अपडेट डालता रहता हूँ, आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं 4 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए आज देखते हैं वाटर कलर से पोर्ट्रेट किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ली है A3 साइज की शीट, और यह है एक आइवरी शीट, ये कोई हैंडमेड पेपर नहीं है, ये आइवरी शीट है। तो इसमें रिजल्ट कैसा आपको देखने को मिलेगा अगर आप वाटर कलर करना चाहते हैं, तो रिजल्ट कैसा मिलता है आइवरी शीट के ऊपर वाटर कलर का, तो ये देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपको किस तरह से इसमें कलर करना है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो और लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने शीट पे जो है अपना जो भी पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, जो भी चित्र बनाना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले आपकी स्केचिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी स्केचिंग अच्छी नहीं है तो आपका रिजल्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपनी स्किल्स इम्प्रूव कीजिए, जो स्केचिंग की स्किल्स है उसको इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद आप वाटर कलर के अंदर आइए। तो यहाँ पे मैंने स्केचिंग कर ली थी अपनी, तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट कोड आपको किस तरह से लगाना है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी, जितना एरिया आपको कवरअप कर सकते हैं उतने एरिए पे सबसे पहले यहाँ पे आप वाटर कलर कर सकते हैं। तो आप ये वाली भी एक टेक्निक है, बाकी आप पूरे फेस पे, ओवरऑल पूरे फेस पे भी यहाँ पे एक साथ अपना फर्स्ट वॉश लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़े से एरिया को कवर किया है सबसे पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर लगाने के बाद जब वो ड्राई हो जाती है तब आप सेकेंड लेयर यूज़ कीजिए यहाँ पे। तो क्योंकि आइवरी शीट में यही एक खास बात रहती है, या फिर इसकी एक डिमेरिट कह लीजिए, कि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वॉश जब तक ड्राई नहीं होती, अगर सेकंड लेयर लगाने लग जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो पेपर पे है जो पैचेज आने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे आप उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से, और कलर को अच्छी तरीके से मिक्स नहीं कर पाएंगे, और आपका जो पेंटिंग है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप इस तरीके से ट्राई करेंगे तो ज़रूर से आपकी एक पेंटिंग बहुत खूबसूरत पेंटिंग बन के निकल के आएगी। तो यहाँ पे मैं आइज़ बना रहा हूँ अब, तो फर्स्ट वॉश मैंने लगा लिया है, अब यहाँ पे सेकंड कलर का कोड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अब आइज़ बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आपका ब्रंट शियाना। तो यहाँ पे आप ब्लैक कलर यूज़ ना कीजिए, ब्लैक कलर जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। ब्लैक कलर की जगह आप ब्रंट शियाना में आप अल्ट्रामेरिन ब्लू यूज़ कर सकते हैं, कोबाल्ट ब्लू यूज़ कर सकते हैं, ब्लू का कोई भी शेड है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपका थोड़ा सा एक ब्लैकिश जो शेड आपको मिल जाएगा, उससे आप सबसे पहले शेड लगाइए, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करिए। अगर आपके आँख में जो ज़्यादा रेडिशनेस है तो उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे क्रिम्सन रेड यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो आपको थोड़ी सी मात्रा में यूज़ करना है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा कलर यूज़ करना है वहाँ पे, किस जगह, एक पर्टिकुलर जगह पे। काफ़ी विग्नर्स यहाँ पे पूछते हैं कि स्किन कलर किस तरह से बनाया जाता है, तो स्किन कलर बनाने के लिए काफ़ी अलग अलग कलर हैं यहाँ पे।
जो मैंने बताए थे आपके लाइव सेशन में भी आपको बताया था कि किस तरह से आप स्किन कलर बना सकते हैं, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप ब्रंट सियाना यूज़ कर सकते हैं उसमें, तो ब्रंट सियाना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्किन कलर के लिए। तो येलो ओकर ले सकते हैं, उसके बाद स्क्लेट लेक ले सकते हैं, थोड़ा सा क्रिम्सन रेड ले सकते हैं, तो इनको आपको मिक्स करना है। यहाँ पे ऑरेंज कलर ले सकते हैं, तो इनको आपको मिक्स इस तरह से करना है कि आपका जो स्किन टेक्सचर है वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा किस तरह का आपको स्किन है, उसमें किस तरह के आपको टोन्स चाहिए, मतलब रेडिश चाहिए तो आपको थोड़ा सा क्रिम्सन रेड ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, अगर आपको येलोइश चाहिए तो यहाँ पे आपको येलो ओकर थोड़ा सा ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह का आपको कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, आपको पहले सबसे पहले मेज़र करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको स्किन में कौन सा टेक्सचर ज़्यादा है, तो उसी तरह की स्किन आपको बनानी है। तो यहाँ पे आप इस तरह के यूज़ कर सकते हैं, मैंने कलर के नाम बता दिए हैं आपको, तो आप इस कलर को मिक्स करके देखिए। डार्क शेड लगाने के लिए आप कहीं पर भी ब्लैक कलर का यूज़ ना कीजिए, उसमें थोड़ा सा अल्ट्रामरीन ब्लू मिला सकते हैं, कोबाल्ट ब्लू मिला सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था, तो वहाँ पे आप ब्लू का मिक्स कीजिए और थोड़ा सा रेडिश टोन ज़्यादा है अगर आपके शेड में तो रेडिश मिलाइए वहाँ पे। तो इस तरह का ब्लैक कलर अगर आप मिलाते हैं तो वो आपका जो पेंटिंग है वो एकदम से डल हो जाएगा, तो ब्लैक कलर यूज़ ना कीजिए, उसकी जगह आप अल्ट्रामरीन ब्लू यूज़ कीजिए। और यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे आपको वर्क करना है, आईब्री सीट में खास हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका जो कलर है वो सूख जाता है तो वहाँ पे पैच बन जाता है, वहाँ पे लाइनिंग बन जाएगी आपकी, तो आपको जितना भी कलर करना है उसको उसी समय रिमूव करना है, उसी समय डिसॉल्व करना है पूरे चारों तरफ उसको देख के, ताकि वहाँ पे आपकी जो लाइनिंग है जो कलर के बीच में लाइनिंग आ जाती है उस तरह की लाइन ना बन पाए, उसके लिए आपको ब्रश को उस तरह की लाइन आप ब्रश की मदद से वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं उसी समय। फर्स्ट लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आपकी वाटर कलर में लगाने के लिए, आइवरी सीट पे, खास आइवरी सीट पे, क्योंकि यहाँ पे पैचेज ज़्यादा पड़ते हैं। तो फर्स्ट लेयर मैं किस तरह से लगा रहा हूँ नोज़ पे आप देख सकते हैं, जिस एरिया में मुझे दिखाई दे रहा है उस एरिया में वही कलर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने येलो ओकर लिया है एक जगह थोड़ा सा ऑरेंजेस लिया है, तो आपको इतनी अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि कलर की जो मात्रा है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑरेंज कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, येलो दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे ब्रंट सियाना यूज़ कर रहा हूँ जो भी डार्क एरियाज हैं उसके लिए। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट लेयर कंप्लीट करनी है बिना पैचेस के, और सेकंड लेयर आपको तभी यूज़ करना है जब ये फर्स्ट लेयर आपकी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इस तरीके से आप वर्क करेंगे बहुत धीरे धीरे, तो आपका वर्क काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव होकर निकल के आएगा। तो आप ज़रूर बताना कि आपको आईब्री सीट पे वाटर कलर कैसा लगा, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि कुछ लोग अगर सीखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सीख सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, लाइव सेशन में मैंने पूरा बताया था आपको किस तरह से वर्क करना है आपको, तो सेकंड पार्ट इसका ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें पूरे फेस पे मैंने फर्स्ट वॉश लगा के दिखाई है और आइज़ बना के दिखाई है आपको, सेकंड लेयर किस तरह से लगा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस लिए थे आपके, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उन क्वेश्चंस से, तो वो जाके ज़रूर से देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप स्क्रॉल करके मेरी वीडियोज़ पे जाके देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं वाटर कलर से रिलेटेड डाल चुका हूँ, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको हैंडमेड सीट का भी मैं एक रिव्यू दूंगा कि उसमें किस तरह से बना सकते हैं आप, और बाकी वाटर कलर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे वाटर कलर ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके जरूर से चेकआउट करिए अगर आप वाटर कलर में वर्क करना चाहते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आज शाम 6 बजे यहाँ पे आपको लाइव सेशन में आ जाइएगा, वहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन लेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से आपको वाटर कलर में और इम्प्रूव कर सकते हैं अपना। तो वाटर कलर में इस तरीके से एवरी सीट में रिजल्ट देखने को मिला है आपको, तो यहाँ पे हाइपर रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, तो आप बहुत धीरे धीरे बनाइए, आराम से बनाइए, आपका पूरा एफर्ट लगाइए उसमें जितना आप लगा सकते हैं, तो इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और इसको कंटिन्यू करेंगे आने वाले टाइम में पूरी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी इसकी। तो तब तक आप भी ट्राई करते रहिए, इसी तरीके से बनाते रहिए, थोड़े पतले कागज़ को छोड़कर आईब्री सीट ले सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी रहती है, तो रिजल्ट आपके सामने है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर से परचेज कर सकते हैं आईब्री सीट को। तो तब तक के लिए बनाते रहिए और देखते रहिए,
वीडियोस को और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।